नमस्कार, मेरा नाम है रोबिन फनोई और मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ और मेरा घर उत्तर प्रदेश गोरखपुर कुशीनगर है। मेरी यात्रा 21 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना टू आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, केरला से मैं कर्नाटक है, कर्नाटक से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से मैं पंजाब में आया। अजिलका जिले होते हुए हिंदू मलकोट होते हुए इस समय गुरदासपुर जिला में हूँ और गुरदासपुर से मैं पठानकोट होते हुए मैं जम्मू कश्मीर निकलूंगा। मैं इंडियन कल्चर के ऊपर बुक लिख रहा हूँ और क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग जो भाषा होते हैं, जो फेस्टिवल मनाया जाता है, जो रहन सहन होता है, जो एक दूसरे से व्यवहार कैसे करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे भेदभाव करते हैं, इस सब के बारे में, कैसे धार्मिक स्थल है, डांस क्या है, इस सब के बारे में मैं लिखता हूँ। और मेरी यात्रा स्टार्ट हुआ था तो मेरा वेट 45 केजी था, इस समय मैं 55 केजी का हो गया। मेरा वेट इंक्रीज भी हुआ, 20 केजी 25 केजी का वेट लेके हमेशा मैं चलता हूँ और ऐसे ही यात्रा लगभग 2 साल तक और लगेगा, 2 साल हो गया है। और यह है कि सपोर्ट मिलता है हर जगह, कहीं भी रुकने के लिए दिक्कत नहीं होता है। साउथ हो गया, सब जगह घूम लिया लेकिन आज तक प्रॉब्लम नहीं। यह है कि अभी मैं दरीवाल गांव में रुका हुआ था 3 दिन, रघुनाथ मंदिर है वहां पे, मुझे बुखार लग गया था 3 दिन तक क्योंकि टेम्परेचर कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है बारिश के कारण, इसलिए बुखार लग गया। अब बहुत प्यार मिलता है, बहुत ही सपोर्ट मिलता है, ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे। और पंजाब से लग रहा है 2-3 दिन में मैं निकल जाऊंगा आगे जम्मू कश्मीर के लिए। अभी पीछे एक पेट्रोल पंप है जो हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है हिंदुस्तान, और वहाँ पे ब्रिज बन रहा था तो मैं निकल रहा था तो कह रहा है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, या नहीं कहना चाहिए। कोई कहीं से आता हो फ्लैग देख के ऐसा अगर आप व्यवहार कर रहे हैं तो अच्छा चीज नहीं है। इतना गलत मेरे दिमाग में अभी तक वही चल रहा है कि हाँ कैसे लोग हैं, कि ऐसा कोई बोला नहीं था अभी तक पंजाब में। लेकिन वो बाइक का मैं नंबर याद नहीं कर सका, यह गलत बात है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इधर साइड से कटा हुआ रास्ता है, मैं तो पहचान लेता अगर भाई अगर ऐसा कर रहे थे, अच्छा चीज नहीं है। सभी भारत माँ के हम लोग संतान हैं और भारत माँ से धोखा कर रहे थे, इससे गंदी चीज नहीं होता। ऊपर वाले भी आपको माफ नहीं करेगा, तो ऐसा गंदा काम मत कीजिए कीजिए कि आप भारत में रह के भारत का विरोध करें। तो पंजाब के यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? पंजाब के यूथ के लिए थोड़ा यहाँ पे यह है कि चोरी बहुत ज्यादा होता है पंजाब में। अभी धारी वाले गांव में रुका हुआ रघुनाथ मंदिर के सामने से, जो वहां के जो फूल माला बेचते हैं वो मिले थे अंकल जी, और उनका बाइक चोरी हो गया, 10-15 दिन हो गया चोरी हुए और कंप्लेन भी किए थे बता रहे थे। उसके बाद जो बाइक चुराया था वो दूसरे जगह बेच दिया था और जो खरीदने वाला था पूरा पार्ट खोल दिया है। फिर कल मैं वहां पे रुका हुआ था तो एक आंटी का वो अंकुश चोरी हो गया और फिर आज का एक बाइक रात का चोरी हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा चोरी का ज्यादा, ड्रग्स ज्यादा बच्चे लेते हैं इसलिए, नशा ज्यादा करते हैं इसलिए, और उनका भविष्य भी अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा भारत में सबसे ज्यादा कहीं नशा का ज्यादा उपयोग हो रहा है तो, या पंजाब में हो रहा है हर जगह। अरे नुकसान तो पंजाब का ही हो रहा है, पंजाब के लोगों का हो रहा है, पंजाब के बच्चों का हो रहा है, तो यह बहुत गंदा चीज। नस में इंजेक्शन ले रहे हैं सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। मैं फाजिलका जिला में था तो जैसे पंजाबी क्या है, मैं गुरुद्वारा में रुका हुआ था तो 5 दिन तक बाद वो जैसे तरही होता वैसे ही सिख धर्म में होता है, तो उनके यहाँ मैं खाना भी खाया तो इंजेक्शन लेके और डेथ कर गए थे। तुरंत इंजेक्शन लेते हैं डेथ कर जाते हैं, तो यह बहुत गंदा चीज। नशा में आज तक कोई नशा नहीं किया, मैं चाय तक भी नहीं पीता हूँ कि वो गंदा चीज। क्या जरूरत है, अगर नशा से आपको फायदा मिले तो आप कर दिए ऐसा, क्योंकि आपके पिता का नाम इसे खराब होता है, माता का खराब होता है, पूरे समाज का नाम खराब होता है। अगर पूरे पंजाब को आप नाम बेच रहे हैं तो ये अच्छा चीज नहीं है। तो ऐसे आपकी जो यात्रा है कहाँ तक अभी समाप्त होगी? मैं यहाँ से जाऊंगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड से दिल्ली आ जाऊंगा, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मैं उत्तर प्रदेश की तरफ निकल। इंस्टा आईडी है रोबिन सनोज, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रोबिन सनोज, और इसी पे संपर्क करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा तो जरूर आपको।